प्यार में इतना दर्द किसी को ना मिले ये कहानी जगत और रानी की है जगत पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था उसकी मुलाकात एलेवेंथ स्टैंडर्ड में रानी से हुई रानी पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी धीरे धीरे इलेवेंथ ख़त्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए और ट्वेल्थ में जगत ने रानी से अपने प्यार का इजहार कर दिया लेकिन रानी ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इसमें हम दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर जगत को रानी की बात थोड़ी बुरी लगी लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि रानी सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया और अब जगत किसी भी लड़की से बात नहीं करता था यहाँ तक कि रानी से भी नहीं क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी रानी से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि कुछ दिन पहले तक रानी उसकी क्रस्त थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी और जगत इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया बाद में जगत मुंबई की एक कॉलेज से वेटिज करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था क्योंकि रानी ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिर में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है जहाँ एक इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने